हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ऑस्ट्रेलिया विस्टर वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा आपने पहले कभी अप्लाई किया उसका रिफ्यूज़ल आता है तो बहुत से जो स्टूडेंट हैं वो सीधा सोचते हैं यार स्टूडेंट वीज़ा नहीं आया अब क्या करें। ऐसा करते हैं ना, कई बार उनको मार्केट में एजेंट मिल जाता है कि आप विस्टर वीज़ा ले लो, आपका वहाँ चेंज हो जाएगा, तो बंदा कहता है चलो विस्टर वीज़ा अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जो आप नहीं समझते, ये सारी डिटेल हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या पॉसिबल है कि अगर आपका स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया उसके बाद विस्टर वीज़ा लेना क्या पॉसिबिलिटी रहती है या नहीं रहती है, सारे सिनेरियो इस वीडियो में आपको मिलेंगे। सो कोई क्वेश्चन होता है डिटेल में, आप गाइडेंस लेना चाहते हैं, ऑन कॉल गाइडेंस सर्विस भी ले सकते हैं जो नॉमिनल कोर्स के साथ है, तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। वैसे क्वेश्चन पूछना आप कमेंट में भी फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हैं। सो पहली बात, स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हो, सबका ड्रीम है आजकल, जो कैनेडा में बैठे ऑलरेडी स्टूडेंट हैं उनके बहुत मैसेज आते हैं कि हमने कैनेडा से जो है स्टडी छोड़ के हमने ऑस्ट्रेलिया में जाना, विस्टर वीज़ा पे जाएंगे, स्टडी चेंज कर लेंगे। तो नो डाउट ये पाथवे यूज़ हो रहा है, हर जगह से ये पाथवे यूज़ होता है, इंडिया वाले भी जाना चाहते हैं, हर कोई ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा है। तो होता क्या, एप्लीकेशन तो लग रही है, GTA में बहुत दिक्कत आती है, सब कुछ आपको पता है क्या चीज़ें हो रही है, तो लेकिन उसके बाद भी कई अच्छे से प्रोफाइल भी होते हैं, जब ठीक ठाक प्रोफाइल भी होते हैं जिनका वीज़ा आ भी जाता है और जिनका रिफ्यूज़ भी होता है कईयों का। तो जो रिफ्यूज़ल वाला होता है, अब उसको क्योंकि कैनेडा उसने नहीं जाना, उसने ऑस्ट्रेलिया का ही जाना, तो उसको कोई एडवाइस दे देता भी तुम विस्टर वीज़ा ले लो, या कोई रिश्तेदार बैठा होता ऑस्ट्रेलिया में कि विस्टर वीज़ा ले लो, आके जो है यहाँ चेंज हो जाएगा कोई बात नहीं। तो देखिए, पहली बात, चेंज हो जाएगा कोई बात नहीं, ये बात सही है। विस्टर वीज़ा आपको मिलेगा ये बहुत फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अभी आपका स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, ठीक है, इनएक्टिव चीज़ है, कोई पॉजिटिव चीज़ तो है नहीं वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा। उसके बाद आप विस्टर वीज़ा अप्लाई कर रहे हो किस बेस के ऊपर, कि मेरा कोई रिलेटिव है, मैं घूमने जाना चाहता हूँ, मैं ले जाना चाहता हूँ, ठीक है, और आपकी उससे कुछ टाइम पहले एक इंटेंशन शो हो चुकी है कि आपका प्लान लॉन्ग टर्म स्टे का है ही है, आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, जो कि हाइड नहीं होना क्योंकि सेम कंट्री है, तो बहुत बड़ा रिस्क अगर आप उस चीज़ को कुछ हाइड करते हो, उनको पता ही है पासपोर्ट डिटेल से सब निकलता है और हर एंगल से जो है आपको पता है कि इस चीज़ को हाइड करना मुश्किल है, तो उनको पता है कि इसकी इंटेंशन कुछ और थी। दूसरी बात, जब वो विस्टर की असेसमेंट करते हैं तो पहले आप खुद से पूछो आप कर क्या रहे हो। कई लोग होते हैं वो फ्री होते हैं, कुछ नहीं किया होता, कोई जॉब नहीं कर रहे, कहीं से कोई इनकम नहीं आ रही, और पेरेंट्स का अच्छा प्रोफाइल है, वो कहते हैं जी पेरेंट्स का एप्लीकेशन लगाएंगे, उसके साथ लगा लेंगे, हमें तो मिल ही जाएगा। देखिए दोस्तों, 100 में से किसी एक को ऐसे वीज़ा मिलना है, आप एक के चक्कर में 100 ने वैसी फीस वेस्ट करनी है, बाकी फीस वेस्ट करनी तो आपकी मर्जी है, लेकिन इतने ज़्यादा लोगों को मैं कहूँगा कि शायद ही 1% को इस कैटेगरी के अंदर वीज़ा मिलेगा, अगर पेरेंट्स के साथ लगा रहा, पेरेंट्स का फाइनेंशियल अच्छा, और जब आप भी अगर फ्री नहीं है तो हो सकता है कि 1-2% को मिल जाए, लेकिन इसमें रिजेक्शन रेशो बहुत हाई है, कोई ग्राउंड ही नहीं है आपको ऑस्ट्रेलिया का विस्टर वीज़ा ग्रांट करने की, जो ऑफिसर होता है उसके पास, उनको सीधा पता है, और जिन्होंने ट्राई किया उनको पता होगा कि हाई एंड रिफ्यूज़ल आई होगी, कि अप्लाई किया पहले स्टडी रिफ्यूज़ हुआ उसके बाद विस्टर भी रिफ्यूज़ हो गया, अब क्या करें। देखिए ऑस्ट्रेलिया स्टडी के बाद विस्टर वीज़ा आता है, मेरी नॉलेज में बहुत से केस है, लेकिन वो तब आता है जब आपकी सिचुएशन में चेंज है। फॉर एग्जांपल, बहुत से लोग हैं ऑस्ट्रेलिया ने स्टडी वीज़ा नहीं दिया, वो कनाडा चले गए, कनाडा में स्टूडेंट है, अब अप्लाई कर रहे हैं, उनको वीज़ा मिला है, ऐसा हुआ है। बहुत से लोग हैं ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा नहीं मिला, किसी और कंट्री में चले गए, कोई न्यूजीलैंड चला गया वर्क परमिट के ऊपर, उसको न्यूजीलैंड से जब अप्लाई करा ऑस्ट्रेलिया का विस्टर वीज़ा, उसको वीज़ा मिला है। तो वीज़ा आपको मिलता है आपकी करंट सिचुएशन के हिसाब से, अगर उसमें कुछ चेंज है, एक फ्री हो, कुछ नहीं कर रहे, जहाँ नॉमिनल सी जॉब भी कर रहे हो, मतलब इंडिया में हो, कोई 10-15 हज़ार 20 हज़ार की जॉब कर रहे हो, तो उस पर भी वीज़ा मिलने के चांसेस कोई ज़्यादा हाई नहीं है। तो ये सीधा सीधा वैसी फीस को वेस्ट करना, एजेंट की फीस वेस्ट करना ही है, बिजनेस है देखो कोई आपको मना नहीं करेगा, लेकिन आप खुद समझदार हो, थोड़ा सा इस चीज़ में डिटेल में देखें कि वो आपको विस्टर वीज़ा क्यों देंगे, इतना तो वो बैठे नहीं है कि वो पढ़े लिखे नहीं है कि उनको पता नहीं चल रहा कि आपका मोटो क्या, आप अकेले तो ऐसे हो नहीं, उनको तो सिखा दिया हुआ है सबने इतनी एप्लीकेशन लगा के, तो आप अकेले भी नहीं हो कि जो इस पाथवे को यूज़ करना चाहते हैं, उनको सब पता है, तो इसमें बहुत कोई तगड़ी किस्मत जो लिखवा के लाया होगा ना, ऐसा केस ही निकलेगा, नहीं तो ज़्यादातर 99.9% तक रिफ्यूज़ल ही आएगी। आप ट्राई करके देख लो, टाइम ही वेस्ट है, उससे अच्छा है कि आप किसी और पाथवे को देखो, आप किसी और कंट्री में जाओ, टाइम वेस्ट ना करो। कैनेडा का स्टूडेंट वीज़ा लेना, नो डाउट कैनेडा में वर्क को लेकर दिक्कत रहेगी, सब कुछ है, लेकिन आपके पास ऑप्शन क्या है ये देखना भी जरूरी है। तो अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, एक तो है कि ऑस्ट्रेलिया को देखते रहो,
दो चार पांच साल ऐसे वेस्ट कर लो, फिर कहीं कहीं का नहीं होगा, ना कैनेडा हाथ में होगा ना ऑस्ट्रेलिया। एक है कि कहीं का मिलता है तो एक बार जाओ, अच्छी कंट्री में बैठो, पढ़ना स्टार्ट करो, तब आप सेकंड पाथवे के ऊपर काम करना स्टार्ट कर सकते हो, अगर ऑस्ट्रेलिया ही ड्रीम कंट्री है तो। कई बार सीधा रास्ता नहीं होता तो लीगली आपको जो है और रास्ते जो लीगल वे में होते हैं उसको आप जो है चूज कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं। लेकिन स्टिल मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अगर आपका हाल फिलहाल में स्टूडेंट वीजा रिफ्यूज हुआ है, प्रोफाइल में दम नहीं है, तो खाम खाम अम्बेसी फीस वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। तो वीजे किस कैटेगरी में मिलते हैं, किन को मिलते हैं, वो मैंने आपको बता दिया, तो यहाँ पे अप्लाई करने का कोई ज्यादा बेनिफिट आपको नहीं होगा। जिसके पास ज्यादा पैसे है इन्वेस्ट करके, एक हिसाब से मतलब इन्वेस्टमेंट अगर डूब भी रही तो उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो अटेम्प्ट करके देख ले। लेकिन डिसीजन आपको मैंने बता ही दिया कि ज्यादातर चांसेस जो है वो उसके क्या है, कि आउटकम क्या आने वाली है। पेरेंट्स को तो मिल जाएगा, आपके लिए आउटकम जो है वो ज्यादा कोई फेवर में नहीं रहेगी। किसी का एक हिसाब से बहुत हाई लक था तो उसका हो सकता है किसी के गाधे का आ भी गया हो, लेकिन इतने ज्यादा नंबर उसमें नहीं है, तो मत ले रिस्क, कुछ और पाथवे देख ले, किसी और कंट्री का आप बना ले तो ज्यादा अच्छा है। सो और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।